गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर वन. द चैप्टर नंबर वन इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टैग्स इन HTML, टाइप्स ऑफ टैग्स एंड व्हाट इज एन HTML लैंग्वेज एंड वेयर इट इज यूज्ड. ओके, जस्ट अ क्विक रिकैप, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई. HTML, फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. HTML इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर मेकिंग वेब पेजेस. वेब पेजेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेबसाइट. वेब पेज के थ्रू वेबसाइट बनती है. ओके, तो बेसिकली दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर मेकिंग वेबसाइट. आगे बात कर लेते हैं. HTML में हमने कहा था HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ टैग्स वर देयर, कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स, टू टाइप्स ऑफ टैग्स वर देयर. ओके, तो हमने कुछ टैग्स के बारे में बात की थी. ठीक है, सबसे पहला टैग जो हमने देखा था दैट वॉज एन HTML टैग. यानी सबसे पहले HTML टैग के बारे में बात करते हैं. HTML टैग स्टार्टिंग एंड HTML टैग क्लूज. ये जो HTML टैग है, दिस टैग इज बेसिकली फॉर्म्स द बॉडी, सॉरी नॉट द बॉडी, द मेन एरिया फॉर द HTML कोड. यानी अगर हमने HTML कोड यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, इट मीन्स इसके अंदर जो भी लिखेंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कोड फॉर अ HTML पेज. यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो इस HTML का कोड का पार्ट नहीं होगा. ओके, स्टार्टिंग में हमने कहा HTML इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, मीन्स कि जो कोड सही लिखा है उसका आउटपुट आएगा, जो कोड गलत लिखा है उसका आउटपुट नहीं आएगा. नाउ लेट्स सी, फर्स्ट इज HTML कोड एंड आफ्टर दैट सेकेंड को इंपॉर्टेंट टैग इज बॉडी टैग. सेकेंड टैग इज बॉडी टैग. जैसे हमारी बॉडी में होता है दिस इज बॉडी एंड दिस इज हेड. Head is above and body is below. So in the same sense we have head tag and the body tag. Head tag contains heading of the page, whatever heading you want to give. अब जैसे आपको मालूम है कि अगर आपके पेज में आप हेडिंग लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं HTML, तो हेडिंग आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बीच से कहीं से नहीं. तो यानी यहाँ आपने अगर कोई भी टेक्स्ट दिया, दैट टेक्स्ट विल अपीयर हेयर. वो टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा सबसे ऊपर. एंड वन थिंग मोर, इफ़ यू वॉन्ट टू एड अ टाइटल, टाइटल बार आपके जो भी पेज होगा वो क्योंकि आपका ब्राउजर में आएगा, तो आप यहाँ पे अगर टाइटल शो करना चाहते हैं, टाइटल विल बी शोन हेयर. टाइटल आपका यहाँ आएगा. टाइटल आप यहाँ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं टाइटल टैग, TITLE, टाइटल. और यहाँ आपने नेम लिख दिया अपना और फिर टाइटल क्लोज कर दिया, तो हेड के अंदर आपका टाइटल आ गया. यानी वट एवर योर टाइटल यू हैव रिटन दैट विल अपीयर हेयर. जो भी टाइटल लेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ओके, बॉडी में आप जो भी लिखेंगे That text will going to appear here, the body part. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारा HTML कोड है और ये ब्राउजर में उसका इफेक्ट है. ओके, आप चाहते हैं आपका नाम अतुल है और आपका चाहते हैं यहाँ पे अतुल आए और आपने यहाँ लिख दिया अतुल, then the name अतुल will appear here. ओके, whatever title you have given, it will appear in title tag, title bar and वट एवर यू हैव रिटन इन हैड. लाइक यहाँ पर कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा था इन क्लोजिंग के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आपने जो भी लिखा वो यहाँ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका बॉडी, बॉडी में आप जो लिखेंगे वो बॉडी सेक्शन में डिस्प्ले होगा था. तो ये आपको तीनों पार्ट यहाँ विजिबल हो गए. ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कंटेनर एम्प्टी के बाद सबसे पहला टैग आपने पढ़ा HTML, फिर हमने बोला बॉडी, बॉडी के ऊपर आता है हेड टैग और हेड टैग के अंदर टाइटल. तो अब तक हमने चार मेन टैग देखे. पहला देखा HTML टैग, दूसरा देखा हमने बॉडी टैग,
तीसरा देखा हमने हेड टैग एंड चौथा हमने देखा टाइटल टैग। ये चारों के चारों टैग हमारे कंटेनर एलिमेंट यानी कंटेनर टैग है। कंटेनर मींस इनके साथ इनका क्लोजिंग टैग भी होगा, इनके साथ इनका क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। और जो भी टैग्स या जो भी चीज़ें इसी के इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में दी जाएंगी उन पे इफेक्ट दिखाई देगा या उनकी पोजीशन डिसाइड होगी। ओके, तो दीज आर द फोर मेन टैग दैट आर अवेलेबल इन एवरी HTML कोड। आप कोई भी HTML कोड करोगे स्टार्टिंग आप इन्हीं से करोगे, ये चारों टैग उसमें होंगे ही होंगे। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर दैट हमने आपको बताया कि आप बॉडी में जो भी लिख देंगे वो अपीयर होगा वेब पेज की बॉडी में, लाइक यहां यहां पे अपीयर होगा, ठीक। अब आप चाहते हैं कि इस पर कुछ इफेक्ट लगाया जाए। वट एवर टैक्स इज देयर दैट टैक्स इज नॉट नॉर्मल, टैक्स आपका नॉर्मल नहीं होगा, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। इफेक्ट इन द सेंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सम सॉर्ट ऑफ कलर और सम सॉर्ट ऑफ स्टाइल। उसे करने के लिए क्या करेंगे, देन वी हैव अ टैग दैट इज बेस फॉन्ट, वी हैव अ टैग दैट इज बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग क्या करता है, बेस फॉन्ट टैग की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखा बेस फॉन्ट, बेस फॉन्ट तो टैग है। अब इसके बाद जो जो क्वालिटीज लेते हैं या जो जो स्पेसिफिकेशन लेते हैं उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट, उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट। थोड़ा इसको देख लेते हैं, व्हाट आर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टैग, एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट टैग, या इट डिफाइंस पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ अ टैग, और इट डिफाइंस हाउ अ टैग विल वर्क, यानी टैग के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, यानी इट डिफाइंस स्पेसिफिकेशन ऑफ टैग। एट्रीब्यूट क्या करता है, टैग के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन डिसाइड करता है, ठीक। इतने डेफिनेशन कंप्लीट है, अभी बात करते हैं बेस फॉन्ट। अब बेस फॉन्ट में सबसे पहले जो हमें ध्यान आता है कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, तो अगर हम कर देते हैं कलर इक्वल्स टू रेड, व्हाट वी हैव डन हियर, हमने लिया एंगल ब्रैकेट, इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट लगा दिया ओपनिंग, बेस फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, यानी अब जो भी कलर आएगा वो रेड टर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं साइज, साइज अगर आपने 15 ले लिया देन 15 विल बी द साइज, ये साइज वैसा ही है जैसे हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, और साइज हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इन द सेम सेंस, यहाँ साइज हमने ले लिया 15। इसके बाद हम वर्क करेंगे, आपका क्या क्या हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, नेक्स्ट विल टेक फेस। अब ये फेस क्या होता है, अगर एमएस वर्ड में हमने वर्क किया है तो हमें पता है कि वहाँ बहुत सारे फेस होते हैं, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, लाइक इस टाइप के डिफरेंट टाइप के फॉन्ट होते हैं और जिसमें अलग अलग राइटिंग स्टाइल हमें मिलता है, उसमें अलग अलग राइटिंग स्टाइल मिलता है। सपोज अगर हम इंडिया लिख रहे हैं तो इसमें ऐसे आएगा, एरियल में इंडिया आपका ऐसे आ रहा है, सम सॉर्ट ऑफ स्टाइल, लाइक इस तरह से जो एक ही वर्ड को डिफरेंट स्टाइल से प्रिंट करते हैं। ओके, तो यहाँ हमने ले लिया फेस, और फेस में हम कोई पर्टिकुलर ले लेंगे, जैसे इन्होंने फेस में लिया हुआ है एरियल, आपकी बुक में दिया हुआ है फेस एरियल, लाइक दिस। नाउ ये आपका ओपनिंग टैग है फेस फॉन्ट का, और इसके अंदर जो भी हम टैग लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और दिस इज माई फर्स्ट पेज लिखने के बाद हमने बेस फॉन्ट को बंद कर दिया। ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो भी आपने बेस फॉन्ट में लिए थे, कलर लिया था रेड, साइज लिया 15, फेस लिया था एरियल, वो सारा इफेक्ट आपका इस पर्टिकुलर लाइन पे अप्लाई हो जाएगा, वो सारा इफेक्ट आपका इस पर्टिकुलर लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट
जब आप इसे अप्लाई कर देते हैं और आपने क्लोज कर दिया, तो इसका एरिया सिर्फ यहां से यहां तक होता है। इसके बाद हम कोई दूसरा टेक्स्ट चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कलर हमारा ग्रीन हो, तो वील अगेन टेक इट, इसको दोबारा लेंगे बेस फॉन्ट एंड देन कलर इक्वल्स टू ग्रीन। ग्रीन एंड अगर आपने सिर्फ इतना दे दिया, जरूरी नहीं है कि आप हर बार सारे एट्रीब्यूट लें, हमें जो एट्रीब्यूट चाहिए हम सिर्फ वही एट्रीब्यूट देंगे, सारे एट्रीब्यूट नहीं देंगे। हमने यहाँ पे बेस फॉन्ट दे दिया कलर इक्वल्स टू ग्रीन, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया द टेक्स्ट दैट वी वांट टू डिस्प्ले, और यहाँ पे बेस फॉन्ट को बंद कर दिया, तो हेलो विल अपियर इन ग्रीन कलर एंड दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस विल अपियर इन रेड कलर एंड दिस विल अपियर इन ग्रीन कलर। ये ग्रीन में आएगा और ये रेड में आएगा। ओके, तो व्हाट वी लर्न हेयर, वी लर्न हेयर इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस, वी कैन यूज बेस फॉन्ट टैग इन HTML। ओके, नेक्स्ट, ये हमने एक कंटेनर टैग पढ़ा, अब हमने सारे कंटेनर टैग मोस्टली पढ़े हैं। अब दो एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में या एम्प्टी टैग्स के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे एक लाइन में ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं br टैग को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद br टैग। क्या होता है भाई br टैग? द फुल फॉर्म ऑफ br टैग इज ब्रेक टैग। ब्रेक मीन्स यानी अगर आप कोई लाइन लेते हैं, सपोज हमने लिखा हेलो हाउ आर यू लाइक दिस, आई रिटन दिस। ओके, आप चाहते हैं हेलो के बाद यहां से लाइन ब्रेक हो जाए और ये दूसरी लाइन में डिस्प्ले हो, ये हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन में आए, यहीं पे डिस्प्ले ना हो। तो फॉर डूइंग दैट देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसे आपको मालूम है HTML लिया, देन वी हैव टेकन हेड, हेड के अंदर हमने लिया टाइटल, टाइटल में हमने लिया एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल विल बी अपियर इन आवर टाइटल बार, टाइटल टैग क्लोज एंड देन हेड टैग क्लोज। अपर केस लोअर केस से कन्फ्यूज मत होना, पहले बताया इट्स अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, अपर केस हो या लोअर केस इफेक्ट विल बी सेम। देन वी विल टेक बॉडी एंड बॉडी में अगर हमने ये लिख दिया हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ लगा दिया हमने br और फिर हमने लिख दिया हाउ आर यू। ओके, हमने बॉडी बंद किया एंड HTML बंद किया। ओके, अब यहाँ देखें हमने हेलो हाउ आर यू ये हमने एक सिंगल लाइन में यहाँ टाइप किया है। ओके, बट हेलो के बाद हमें यहाँ br टैग मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द br व्हाट विल हैपन इफ विल अपीयर लाइक दिस, हेलो आएगा और हाउ आर यू विल कम बाय नेक्स्ट लाइन, हाउ आर यू आपका नेक्स्ट लाइन से ही आएगा। नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस br टैग दैट इज ब्रेक, यहाँ से इसने ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आपका टेक्स्ट पहुँचाया। ओके, तो यू कैन कॉल इट, इट गिव्स यू अ न्यू लाइन, और यू कैन से br टैग ब्रेक्स द टेक्स्ट इन टू पार्ट्स, इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसे हम कह रहे थे बार बार इट्स एन एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी मीन्स कि इसमें ओपनिंग टैग है क्लोजिंग टैग नहीं है, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे ओपनिंग टैग है देखो, क्लोजिंग टैग कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई वी नो इट्स अ ब्रेक टैग एंड दैट इज अ एम्प्टी एलिमेंट। ओके, क्या ये अकेला एम्प्टी टैग है? नहीं, एक और पढ़ते हैं। आफ्टर बी आर टैग वी हैव वन मोर टैग दैट इज HR टैग, HR सेकेंड इज HR टैग, HR टैग इज ऑल्सो एम्प्टी टैग, द फुल फॉर्म ऑफ HR इज हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूल है, यानी रूल मीन्स अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विल बी देयर, सी द इफेक्ट विल बी सीन हियर, हमने यहाँ HTML लिया एंड देन हमने बॉडी लिया एंड बॉडी के बाद हमने यहाँ लिख दिया हेलो और फिर हमने यहाँ लगा दिया HR और सब ने लिखा हाउ आर यू,
ओके, यू क्लोज द बॉडी, यू क्लोज द HTML. ओके, नाउ अब जब इसका इफेक्ट हम देखेंगे, तो इफेक्ट आपको दिखाई देगा लाइक दिस. हेलो लिखा होगा एंड आफ्टर हेलो यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रूल, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द नेक्स्ट टेक्स्ट. ओके, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ, यहां हमने देखो हेडर टाइटल नहीं लिया है, लगा सकते हैं. ठीक है, हेलो लिख दिया हमने, HR एंड हाउ आर यू, देन हेलो विल बी देयर, अ हॉरिजॉन्टल रूल विल बी देयर, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, एंड देन हाउ आर यू विल बी शोन हियर. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. BR फॉर ब्रेक, फुल फॉर्म लिख देते हैं, BR इज फॉर ब्रेक, दैट इज ब्रेक द लाइन, एंड दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल रूल और हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दीज टू आर एम्प्टी एलिमेंट्स. नाउ वी विल मूव ऑन एंड वी विल सी नेक्स्ट टैग. बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टैग वी हैव फ्यू एट्रीब्यूट फॉर द HR टैग. हमारे पास HR टैग के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. वी हैव फ्यू एट्रीब्यूट्स फॉर HR टैग. एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग. HR टैग के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, कैसे वर्क कर सकता है, फिर हम बात कर लेते हैं. द फर्स्ट इज द साइज. फर्स्ट इज साइज. साइज मीन्स द विथ ऑफ द लाइन. साइज मीन्स द विथ ऑफ द लाइन. ओके, साइज एंड विथ. साइज विथ एंड वी हैव कलर. साइज विथ एंड कलर. अब यहां देखते हैं, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है. ओके, इसमें देखते हैं कैसे वर्क होगा. यहां हमने दिया साइज. साइज मीन्स ये कितना, ये आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, लाइक दिस. तो इट दिस विल डिपेंड ऑन द साइज. नेक्स्ट वी हैव विथ. विथ मीन्स चौड़ाई, यानी आपकी लाइन इतनी पतली होगी या इससे थोड़ी मोटी होगी या काफ़ी मोटी होगी. तो दिस डिपेंड ऑन द विथ. तो आपका विथ पे डिपेंड क्या होता है, ये डिपेंड होता है, ये तीन चीज़ें, और साइज पे ये. साइज मीन्स द लेंथ, की लेंथ कितनी हो जाएगी, एंड विथ मीन्स द थिकनेस, की उसकी थिकनेस, उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी लाइन की. एंड नेक्स्ट द कलर. कलर आप जानते ही हैं, इफ यू मेंशन ग्रीन द कलर विल अपीयर इन ग्रीन कलर, इफ यू मेंशन रेड द लाइन विल अपीयर इन रेड कलर. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका. विल टेक एन एग्जांपल एंड विल सी इट्स इफेक्ट. हम यहां पे लेंगे HR. ठीक, सबसे हम लिखा साइज. यहाँ पे पिक्सल मेंशन करते हैं, सपोज हमने मेंशन कर दिया 200 एंड विथ हमने मेंशन कर दिया 50 एंड नेक्स्ट साइज विथ एंड कलर हमने मेंशन कर दिया ग्रीन. ओके, हमने सिर्फ इतना मेंशन किया बिकॉज इट्स एन एम्प्टी एलिमेंट, तो हमें इसका क्लोजिंग की जरूरत नहीं है. तो इसका जो आउटपुट आएगा, यानी हमारी लाइन पूरी आएगी, उसकी विथ 50 पॉइंट्स होगी, यानी काफ़ी विथ होगी, और कलर उसमें ग्रीन होगा. दैट इज ओके. दिस विल बी अ यूज ऑफ HR एंड BR एलिमेंट्स. ओके, आफ्टर दिस वी विल गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट इन नेक्स्ट क्लास. टुडेज क्लास विल कंक्लूड हेयर. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फर्दर मोर, दूसरे और जो टैग्स दिए हुए हैं आपकी बुक में वो सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे. ओके, जितना ये वर्क हुआ है इसको आप रिवाइज करें, एंड वट एवर PDFs आर प्रोवाइडेड टू यू, PDFs को नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, एंड यू विल सेंड दिस देयर इमेजेस टू योर रेस्पेक्टिव टीचर्स. ओके क्लास, थैंक यू.